एपिसोड में आप देखेंगे मही के जीवन में अचानक आ जाता है एक बहुत बड़ा भूचाल जब चित्रगुप्त दादी सास को यमलोक ले जाने के लिए आ जाता है बन के काल। क्या दादी सास यमलोक चली जाती है या नहीं, इस मुसीबत की घड़ी में क्या करती है मही, आइए देखते हैं आज के इस एपिसोड में। देखिए आत्मा क्रमांक 819, आपको मेरे साथ आना ही पड़ेगा। नहीं चित्रगुप्त जी, समझने की कोशिश करिए, मेरा सास धर्म अभी तक मैंने पूरी तरह से निभाया नहीं है ना यहाँ पे, इसीलिए लेने आया हूँ। देखिए आपने आपका लक्ष्य पूरा नहीं किया, हमें भी ऊपर स्वर्ग लोक में हिसाब देना पड़ता है। कौन सी आत्माओं ने अपना लक्ष्य पूरा किया, कौन सी आत्माओं ने अपना लक्ष्य पूरा नहीं किया, इसलिए आपको मेरे साथ आना ही पड़ेगा। अरे जय अम्मे काका। आप आत्मा के रखवाले इंसान से डर गए? आप मेरी दादी सास को देख सकते हैं? वो छोड़िए, आपको मैं दिख रहा हूँ। चित्रगुप्त जी ये बेबली है मेरी। अच्छा। बहुत अच्छी है, भली है, पवित्र आत्मा है, उसे सब अच्छी आत्माएं दिखती है, इसीलिए शायद आप उसको दिख रहे हो, मैं तो दिखती हूँ। फिर भी आपको मेरे साथ आना ही पड़ेगा। नहीं, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगी मेरी दादी सास को। देखिए मेरे रास्ते से हट जाइए। नहीं, मैं नहीं हटूंगी यहाँ से। एक मिनट चित्रगुप्त जी आप शांत हो जाइए, मैं कुछ करती हूँ। चलिए। हाँ एक मिनट, एक प्रश्न है, ये मार्च ऐसे पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ ना? अरे आज 31 मार्च तो है। हाँ लेकिन आज का दिन पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ है, बाकी है ना समय। चित्रगुप्त से चालाकी। चलो ठीक है, आज सूर्यास्त से पहले यानी शाम को ठीक 6:50 से पहले आपने आपकी बहू की एक भी गलती को या कमी को सुधार दिया तो मैं आपको यहाँ रहने की अनुमति दूंगा। अच्छा। लेकिन आप ये कर नहीं पाई तो मैं आपको फिर से ले जाऊंगा। और हाँ, इस दौरान आप अपनी कोई भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्या? हाँ, क्योंकि शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपना लक्ष्य पूरा कर सकती है ना? लेकिन मैं अपनी बुद्धि का तो इस्तेमाल कर सकती हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकती है। हाँ लेकिन याद रखिए, अभी आपके पास सिर्फ एक ही शक्ति होगी जिससे आप सिर्फ मुझसे बात कर सकती हो। अच्छा तो ठीक है, आत्मा क्रमांक 819, अब हम चलते हैं। शुभकामनाएं। हाश, थोड़ा टाइम तो मिल गया मुझे। बेबली, बेबली उभी था, बेबली उठ, बेबली। क्या हुआ बेबली? दादी सास, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि आपको लेने चित्रगुप्त काका आए थे। बेबली, चित्रगुप्त काका सपने में नहीं आए थे, हकीकत में आए थे। क्या? देख बेबली, अब हमारे एक ही लक्ष्य होना चाहिए, किसी भी तरह अनसुया को एहसास दिलाए कि वो गलत है। दादी सास, एक बार मैं जंगल में जाकर शेर भाई से भी कह सकती हूँ कि शेर भाई आप जैसे सबको फाड़ कर खा जाते हो वो गलत बात है, लेकिन अगर सासु माँ से कहूंगी ना कि वो गलत है तो वो तो मुझे ही फाड़ कर खा जाएगी। बेबली यही तो बात है, नामुमकिन काम को मुमकिन करना है, और वो भी सूर्यास्त के पहले, 6:50 के पहले बेबली, वरना मुझे पृथ्वी लोक छोड़ के जाना होगा, तुझे छोड़ के जाना होगा बेबली। नहीं दादी सास,
मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा करूंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। पता है दादी सास, मैंने कभी अपनी दादी को नहीं देखा। बचपन में मेरी सहेलियां बातें करती थी कि आज मेरी दादी ने मेरे लिए खीर बनाई है, आज मेरी दादी मुझे मंदिर ले गई, मेरी दादी ने मुझे राजकुमार की कहानियां सुनाई, मेरी दादी ने मुझे लोरी गाकर सुलाया, मेरी दादी टॉफी लेकर आई। तब मुझे लगता था कि मेरी दादी क्यों नहीं है, नहीं दादी सास, अब कुछ भी करो, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे छोड़कर चली जाए। बेबली रो मत, तू और सच बताओ, आप सिर्फ मेरी दादी सास नहीं हो, मुझे मार्गदर्शन देने वाली मेरी गुरु हो, मेरी सहेली हो। हाँ बेटा, पता है मुझे, लेकिन अभी तू ये उं, उं, उं करके आंसू गिराना बंद कर, वरना तेरे आंसुओं के साथ मैं भी बह जाऊंगी। बेबली शांत हो जा और सोच, सोच तू कि ऐसी कौन सी गलती है अनुसुया की जिसको मैं सुधार सकूं। अभी मैं यहाँ पे रह सकूंगी बेबली, सोच कुछ सोच। निशांत भाई यार, कोई अच्छा सा ड्राइवर हो तो भेजो ना। नहीं, मॉम को चाहिए, मॉम ने अपने ड्राइवर को निकाल दिया है। अरे मॉम बता रही थी बहुत लापरवाह था, हमेशा लेट आता था, कोई अच्छा सा ड्राइवर भेजो ना। ओके थैंक यू। मही, मैं एक दो घंटे में आता हूँ। हाँ आइडिया, कुछ भी करके मुझे ये साबित करना है कि अनुसुया की सोच गलत है। तो ये ड्राइवर जिसको उसने निकाल दिया, शायद उससे कोई कड़ी मिल जाए। बुला ले। दादी सास, मक्का जा। हाँ, अच्छा लगता है मुझे खाने। अरे ना ना, ये वाला मक्का। हाँ हाँ, ये तो है बहुत। दिनेश भाई, सासुमा ने आपको नौकरी से क्यों निकाला? मैडम जी, हमको यहाँ पे आने में रोज देर हो जाती थी, इसीलिए उन्होंने निकाल दिया। बेबली, इसको पूछ, इसको देर क्यों होती थी? आपको देर क्यों होती थी? मैडम, आपका घर हमारे घर से बहुत दूर पड़ता है, और हमें यहाँ तक आने के लिए एक नहीं बल्कि दो दो बस बदलनी पड़ती थी। हमारा एक छोटा सा बच्चा है मैडम, उसको हमें रोज स्कूल छोड़ने जाना पड़ता था, इसीलिए रोज देर हो जाती थी। आपने ये बात सासुमा को बताई? हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लापरवाह हूँ। देखा बेबली, ये बेचारा मजबूर है और अनुसुया इसे लापरवाह बता रही है। इसका मतलब है अनुसुया की सोच ही गलत है और हमें ये साबित करना है। बराबर। देखिए भाई, टेंशन मत लीजिए, आज से आप मेरे ड्राइवर भाई, मेरी गाड़ी चलाना। हाँ दिनेश, तुम यहाँ? सॉरी सासुमा, मैंने बुलाया है इन्हें। भाई भाभी, ये लिए, मैंने आपकी गाड़ी को ना मस्त एकदम साफ करके एकदम धुल दिया है। अच्छा, वो मेरी गाड़ी चलाने के लिए रखा है इनको। मही, ये क्या मजाक, मॉम ने इन्हें नौकरी से निकाला और तुमने वापस रख लिया? बेबली, मैंने जो सिखाया है वो बोल। हाँ सागर जी, एक मिनट, वो पहले चित्रगुप्त जी आ जाइए। चित्रगुप्त जी, हाँ आइए। अब अभी आप पिक्चर देखिए। सासुमा, ये दिनेश भाई जो काम पर देर से आते थे, दरअसल उसमें उनकी कोई गलती है ही नहीं। अच्छा, इसका मतलब गलती मेरी है। सब गलती तेरी है, अभी मानेगी वो अपनी गलती, देखते। हाँ, उन पे हाँ बोल के अभी। हेलो अंसुया, मैं तो बात कर रही हूँ, एक मिनट। हाँ हरीश, तुम्हारा जो दोस्त है दिनेश, उसे उसके घर से मेरे घर आने तक कितनी बसें चेंज करनी पड़ती हैं? एक भी नहीं मैडम, मुझे भी उसी रास्ते से आना होता है, वो मेरी बाइक पर ही आ जाता है। तो फिर वो काम पे लेट क्यों आता है?
क्या बताऊं मैडम, वो एकदम लापरवाह है। देर से उठता है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने भी उसकी बीवी जाती है, एकदम बेकार है वो। थैंक यू हरीश, थैंक यू वेरी मच। सॉरी ससमा, सॉरी। वही साबरमती माता की कसम सागर जी, मुझे सच में ये सब नहीं पता था। उल्टा हो गया इधर। हो गया आत्मा क्रमांक 819। अब आपके पास सिर्फ 5 घंटे बाकी है। सब उल्टा हो गया, दूसरा कुछ सोचो। दादी सास, 6:50 को सूर्यास्त हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है। बेबली, वक्त के बारे में सोच के वक्त को बर्बाद मत कर, आइडिया सोच, आइडिया। आया आइडिया, आया आइडिया, आपको आया? कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर। आ गया। क्या आइडिया? झगड़ा। अच्छा, झगड़ा? हेलो, मेरा और सासुमा का झगड़ा? एना बना दादी सास खट्टी बात, अरे मेरा तो कच्चा घाड़ हो जाएगा ना। एक मिनट, लेकिन बेबली, घर में तेरा झगड़ा सिर्फ सासुमा के साथ हो सकता है, और लोग नहीं है घर में? कौन? तेरा सागर जी। सागर के साथ एक धमाकेदार तबला तोड़ झगड़ा होना चाहिए। मेरी बात सुन, बेबली, अब मैंने जो बोला है वो ही बोलना। हाँ, सीधे मुंह पे बोल दूं? हाँ। ए दादी सास, मैंने कभी सागर जी से ऐसे बात नहीं की। करनी पड़ेगी ना बेबली, मेरे लिए। मूड में आ, झगड़े के मूड में आ। देख, आ रहा, पकड़। सागर जी, अब सागर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। मैं आपसे शादी करके फंस गई हूँ। वाह बेबली वाह, तुम मजाक कर रही हो ना? आपको तो मेरी हर बात मजाक की लगती है ना? अरे आप तो आजकल मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। ये देखिए, मैं मोटी हो रही हूँ सागर जी। मोटी? नो, कैन यू? अरे यश सागर जी, मैं मोटी होती जा रही हूँ, आपको तो ऐसे लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि आपको मेरी चिंता है ही नहीं। आपको ऐसा कभी हुआ है सागर जी कि लाओ मैं मही को चलने के लिए ले जाऊँ? नहीं, कभी नहीं हुआ। कल से रोज सुबह शाम हम दोनों वॉक के लिए जाया करेंगे, ओके? अरे ये तो चले गई दादी सास, अब और कुछ सोचना पड़ेगा। 6 बज गए, अब तो सिर्फ 50 मिनट ही बचे हैं। ओ, ओ सागर जी, मैं कोई मजाक मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, मेरी सेहत की चिंता छोड़िए, सर अपने आप को तो देखिए, अपने बारे में थोड़ा तो सोचिए, कैसे कद्दू की तरह कहीं से भी फैल रहे हो। कद्दू की तरह ये मानने को तैयार नहीं है बेचारा, लेकिन चालू रख बेबली। नहीं ऐसा नहीं है, आई एम फिट। अरे मेरी दोस्त चंपूड़ी, उसके हस्बैंड कितने हैंडसम दिखते हैं। आप तो, आपको पता है रोज व्यायाम करने जाते हैं सागर जी वो जिम में। मैं जिम नहीं, जिम। ओ ये तुझे सुधारने बैठा। ओ सागर जी, मुझे सिखाने मत बैठे हाँ, जिम है ये जिम है, मुझे नहीं सीखना है। अब बात बदले मत, बस जब देखो तो बात बदल देते हो। अरे चंपूड़ी के हस्बैंड कितने हैंडसम है, ऐसे मसल्स वाले, और आपको देखो, आपको पता है वो जब ऐसे रोमांस करते हैं ना, तो चंपूड़ी को एक हाथ से ऐसे उठा लेते हैं आराम से। अगर मैं आपसे कहूंगी ना मुझे उठाने को, तो आपकी तो टैंट फिस्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं मही, मैं जब चाहूँ तब तुम्हें उठा सकता हूँ। हाश, इसके अंदर का धर्मेंद्र जागा। चालू रख बेबली, चालू रख। क्यों?
गुस्सा क्यों आ रहा है सागर जी आपको? हाँ हाँ, मैं सच बोलूंगी तो आपको तो गुस्सा आएगा ही ना? तो मतलब मुझे एकदम चुप रहने का, बोलने का ही नहीं मुझे? हाँ क्यों बोलू, मैं तो सही बोल रही हूँ तो आपको तो गुस्सा आएगा? हाँ मैं तो गलत हूँ ना? मही जब बोलती है तो एकदम गलत बोलती है। वाह भाई वाह। एक काम कीजिए ना सागर जी, मेरा नाम बदल दीजिए, मही से गलती रख दीजिए। गलती ओ गलती बहू, गलती 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 गलती। अरे यार तुम कहाँ की बातों कहाँ ले जा रही हो? अब आया मजा, जा बेबली इसको बाहर लेके जा, हॉल में जा, चल जा। हाँ मैं ही हमेशा बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हूँ सागर जी, मैं ही सब ऐसा करती हूँ। मही इसके अंदर का धर्मेंद्र तो जाग गया, अब देखते हैं साधना कट पे क्या असर होता है। बस छोड़ दूंगी बोलना, मौन व्रत धारण कर लूंगी। मुझे साफ साफ बताओ तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? अभी परसों की ही बात है सागर जी, याद कीजिए आप समाचार देख रहे थे, लेकिन मैंने कहा सागर जी मुझे सीरियल देखने दीजिए, लेकिन नहीं आपने फटक से मना कर दिया मुझे। अब ये समाचार की बात कहाँ से बीच में आ गई? चालू रख चालू रख। सागर जी वाह भाई वाह, अभी आप मुझसे कह रहे थे कि मही तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जाती हो, और अब आप मुझसे ये भी कह रहे हैं कि मैं बात को बीच में घुसेड़ रही हूँ। वाह अभी अभी मही अगर तुम्हें इस तरह से चिल्लाना है तो एक काम करो, थोक में कांदा पटाटा ले आओ और उसे बेचना चालू करो, एटलीस्ट थोड़ी कमाई तो होगी। चित्रगुप्त जी आगे, अब देखिए पिक्चर देखिए आप। पिक्चर? चलचित्र। चलचित्र? लेकिन आपका ये चलचित्र ज्यादा लंबा तो नहीं होगा ना, क्योंकि सूर्यास्त होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट? बराबर सासु माँ, एकदम बराबर। अब तो सासु माँ है तो आपको तो पूरा अधिकार है बहू की गलती निकालने का, लेकिन आपको अपने बेटे की एक भी गलती नहीं दिखेगी, नहीं सुषमा? क्यों दिखेगी? क्योंकि वो कभी गलत होता नहीं है, वो अंसुया मेहता का बेटा है, सागर मेहता, वो कभी गलती नहीं करता। लेकिन हाँ तुम हमेशा गलतियों पे गलतियां करती रहती हो, तुम हमेशा गलत होती हो। अब ये कहना चाहती हो कि मेरा और सागर जी का जो झगड़ा हो रहा है उसमें गलती मेरी है? एक मिनट सागर, एक मिनट। देखो मेरी सोच कभी गलत नहीं हो सकती, और स्पेशली मही के बारे में तो कभी नहीं। अरे सासू माँ बिना वजह जाने आप ऐसा कैसे कह सकती हो कि सागर जी सही है? आप गलत भी तो हो सकती हो ना, आप गलत हो सकती हो कभी कभी। आत्मा क्रमांक 819, आपके पास अब सिर्फ 3 मिनट बचे। आपका चलचित्र तो चल नहीं रहा, बेहतर है आप ही मेरे साथ चलिए। रुके रुके बेबली, 3 मिनट बाकी है, कुछ कर जल्दी कर। अब मैं ही कुछ करता हूं। क्या? चित्रगुप्त जी ये क्या किया आपने? ये जंजीर ये लोग देखेंगे हवा में उड़ते हुए तो इनको तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। ये दैविक जंजीर है, इन लोगों को नहीं दिखेगी। लेकिन मुझे तो दिखती है। ओके झगड़े की वजह क्या है? वजह ये थी सासु माँ, मैंने बस सागर जी से इतना कहा कि सागर जी जरा अपने आप को देखिए, जरा सोचिए अपने बारे में, कितने मोटे होते जा रहे हैं, कद्दू की तरह फूलते जा रहे हैं वो। तो मैंने बस इतना कहा सासु माँ कि सागर जी आपको चलने जाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तुम क्या मैंने कुछ गलत कहा? कद्दू? मही माँ हूँ मैं इसकी। हाँ कद्दू, मैं भी मेरे बेटे पर पूरा ध्यान देती हूँ, मैं उसे कभी भी कद्दू होने नहीं दूंगी। तो जाओ अपना काम कर। मतलब सासु माँ आप ये कहना चाहते हो कि मैं? हाँ तुम गलत हो, तुम गलत हो, गलत हो। सागर बेटा जरा अंदर आओ, तुम उससे बात कर। चलिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी 2.5 मिनट बचे, मैं अपनी बेबली से गले मिल सकती हूँ?
इबली। निकालना पड़ेगा, गले मिलना है। जा रही हूं बेबी, अपना ख्याल रखना। हाँ, और मेरी वो बिगड़ेल बेबली है उसका भी ख्याल रखना। एक बार गले तो मिल। दादी सास। बेबली मिस्टर सागर मेहता जी, मैं साइंस आधार लैब से। थैंक यू। इतना कोलेस्ट्रॉल, ये तो मोटापे की निशानी भी है। और सागर, ही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। व्हाट? सब मेरी गलती। आगे बोल, आगे बोल। मैंने ही तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, और मही जब भी तुम्हारा ध्यान रखती थी तो मुझे जलन होती थी। मही, मैंने तुम्हें हमेशा काम आखा, लेकिन तुम सही थी। देखा, मैंने बोला था ना आपको। आगे बोल, आगे बोल। क्या करूं, माँ हूं ना मैं उसकी। मैं जानती हूं कि मैं गलत करती थी। मैं अब सुधारने की कोशिश करूंगी और तुम्हें कभी कम नहीं आंखूंगी। हाँ, बस देखा ना। चलो। हाँ? नहीं मतलब मुझे लंबी उम्र का आशीर्वाद देते जाइए, ऐसा कहा। हाँ। मिलते हैं अगले 31 मार्च को। हेबली, शाशुमा, मेरी प्यारी शाशुमा, ऐसे उदास मत होइए। आप तो माँ हैं और माँ का अपने बेटे पर पूरा अधिकार होता है। हाँ, ये बात सच है कि आप जब सागर जी को ज्यादा प्यार करते हो तो थोड़ी बहुत जलन तो हो जाती है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों का लेवर देवर फिट्टोस। चलिए, अभी फिट्टोस आ गया है तो इसी बात पर गले मिलिए। हाँ, लेकिन वो जंगली स्टाइल में नहीं है। शशुमा, शशुमा।